ये संगत को जय गुरु जी। मैं क्या बोलूं, गुरु जी के आगे तो हमारी शक्ति एकदम बंद ही हो जाते हैं। मुझे 5 साल हो चुके हैं गुरु जी से जुड़े हुए, और गुरु जी ने बहुत ही मेहर की है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर गुरु जी की। अभी मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। अभी लास्ट ईयर मुझे, मेरी बेटी अमेरिका रहती है, तो मैंने सोचा कि दिसंबर में हम सत्संग कराएंगे जब वो अमेरिका से आएगी, क्योंकि अभी तो गर्मी बहुत है तो हम गर्मियों में तो कराएंगे नहीं सत्संग। तभी गुरुजी ने मेरे को एक दो दिन बाद ड्रीम दर्शन दिए, उसमें गुरुजी मेरे घर सत्संग में बैठे हुए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मतलब सबके हाथों में दिखाया कि सबके हाथ में नारियल की बर्फी और समोसा है चाय प्रसाद के साथ, और गुरुजी खुद मेरे किचन में ना मतलब आलू की सब्जी बना रहे हैं, और मैं गुरुजी को ना पीछे से हक कर लेती हूँ और उनके ऐसे पीठ पे ना रख के सो जा मतलब बैठ जाती हूँ। गुरुजी मुझे कुछ नहीं कहते। फिर गुरुजी बाहर डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं, तो मेरे को कहते हैं कि मेरे चरण नहीं छू, मेरे मत्था नहीं टेकना तेनू। तो मैंने ना कहा कि हाँ गुरुजी टेकना है, तो मैं एक साइड से टेक लेती हूँ लेफ्ट साइड से। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि वो तेनू सीधी तरफों नहीं टेकना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी टेकना है। तो गुरुजी दोनों पैर आगे कर लेती हूँ और मैं दंडवत लेट जाती हूँ। तो उसमें गुरुजी ने 14 शब्द मुझे सुनाई दिया, कहा था कि उस समोसे, मैंने अपनी बेटी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि 14 समोसे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे 9 तारीख तो आज है, मेरे को सत्संग की डेट बताइए, तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। मैंने गुरुजी से जवाब मांगा तो मैंने चाय पी, चाय प्रसाद के नीचे ग्लास में 14 लिखा हुआ था। मैंने गुरुजी से मतलब पूछा था डेट, तो उन्होंने मुझे 14 डेट बताई और वो ग्लास में एज इट इज लिखा हुआ था 14। तो मैंने गुरुजी को इनविटेशन दिया, फिर जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था आलू की सब्जी बनी, नारियल की बर्फी आई, समोसा आया, सब जैसे जैसे गुरुजी ने कहा वैसे ही सत्संग हुआ। और गुरुजी आए, सबको खूब ब्लेस किया। ऐसे ही मैं अभी लास्ट ईयर मैं यूएसए जा रही थी, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मुझे जबरदस्ती 6 महीने के लिए यूएसए भेज रहे हो, मेरे तो सत्संग मंदिर कुछ नहीं मिलना वहाँ पे। तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे जाके, जहाँ पे मेरी बेटी रहती है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर मतलब मेरे को किसी ने इंटरनेशनल संगत का नंबर दिया था, तो मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो वहाँ पे न्यूयॉर्क में इतने सत्संग अटेंड करवाए गुरुजी ने मुझे, न्यू जर्सी बड़े भी मंदिर भी बुलाया गुरुजी ने, और बहुत मेहर की और बहुत बहुत गुरुजी ने मेरे को एंजॉय करवाया। मतलब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि गुरुजी ने हमें मतलब कितनी मेहर की है हमारे ऊपर। और ऐसे ही मैं कहती हूँ जिन संगत ने आज घर में सत्संग कराया, गुरुजी उन पर अपनी पूरी मेहर बरसाए, और जो जो संगत आ जाए सब झोलियाँ भर भर की जाए गुरुजी के दरबार से। जय गुरुजी, जय गुरुजी।